السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب اليه ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد له فهو المهتد. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها النبي إنا सल्ला का शाहिदा सदकअ मौलाना लजीम बारा रबील मीलादुल नबी का दिन हमारे लिए ईद का दिन है जश्न और खुशी का दिन है सरकार की आमद का दिन है आप सबको जश्न मिलादुल नबी मुबारक हो सरकार की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा हमारे आका की आमद मरहबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से मेरे वाले दो गिरामी और हमारे पीर मुर्शिद जनाब अली बुखारी की इजाजत और दुआओं से और बुखारी खानवादा के रहबर हजरत मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम महबूब बारी के सदकाफेल में मैं मीलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक चंद बातें पेश करना चाहता हूं अल्लाह अपने महबूब के सदके में कबूल फरमाए सबसे पहले मीलाद मनाने की हकीकत मिलाद मनाना क्या है सबसे आसान लफ्जों में कहें तो मीलाद मनाना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौजाद को बयान करना आपकी तारीफों के नगमे गाना और अल्लाह रबुल इज्जत का शुक्र अदा करना है यही तो मीलाद है महफिल मीलाद में क्या किया जाता है अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है ना कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अदा किया ये कोई छोटी बात नहीं है अल्लाह इमरान में फरमाता है लकदमी इस बात अफीम रसूल मिन अनफसेम कि बेशक अल्लाह तला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब इन में अपने महबूब रसूल को भेजा अल्लाह ने नमाज अता की एहसान नहीं जताया रोजे अता किए एहसान नहीं जताया इबादत अता की एहसान नहीं जताया लेकिन अपने महबूब को जब भेजा तो फरमाया कि यह मेरा मोमिनों पर एहसान है कि मैंने इनमें मुस्तफा को भेजा अल्लाह का सबसे बड़ा फजल और सबसे बड़ी नैमत आका अलैहिस्सलाम की आमद है हुजूर की आमद एहसान अजीम है काल सलाम की आमद उजमा है कि जब आपकी आमद हुई तो बुद्ध सजदे में गिर गए जब आपकी आमद हुई तो जन्नत को सजाया गया जब आपकी आमद हुई तो जिन्नात और शयातीन का दाखला आसमानों में बंद हो गया और सारे जहान में नूर फैल गया अबाए कुरान से पूछें कि अल्लाह के फजल और एहसान पे क्या किया जाए अल्लाह यूनुस में फरमाता है बेफजल्लाहमत ही फिका फल फ्रो कि मेरे फजल और मेरी रहमतों पर लोगों को चाहिए कि वो खुशी मनाए सुबह अल्लाह मुबारक हो आप लोगों को जो आका सलाम के मीलाद पर खुशी मनाते हैं क्योंकि आप अल्लाह सुबहाना का के हुक्म पे अमल कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म पे अमल करना इबादत है आप सोचें कि वो जात जिनके सदक में हमें कुरान मिला जिनके सदके में रमजान मिला जिनके सदक में कद्र मिली बल्कि जिनके फैज से हमें ईमान नसीब हुआ और जिनकी शिफात से ही इन जन्नत में जाएंगे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने में तशरीफ लाए जिस दिन तशरीफ लाए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं खसूसन इमाम जलालुद्दीन सयती अले रह जो बहुत बड़े मुफसर और मददस थे आज से 500 साल कबल फरमाते हैं कि मेरी तहकीक ये है कि इस जिस रात आका सलाम तशरीफ लाए वो रात मेरे नजदीक शब कदर से भी अफजल है वो फरमाते हैं कि शब कदर वो रात है जिस रात में कुरान मिला इसलिए हजार महीनों से अफजल है वो फरमाते हैं कि शबे कदर वो रात है जिस रात में कुरान मिला इसलिए हजार महीनों से अफजल है तो जिस रात साहिब कुरान मिले वो रात कितनी अफजल होगी आज हमारी बदकिस्मती कि हम इस एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जिसमें उम्मत रुसवा है हमने अपना ताल्लुक हुजूर अले सलाम की बारगाह से दूर कर लिया है हमने बारगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब छोड़ दिए हैं किसी शायर ने खूब कहा है छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई खो के अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई देख हमारी आंख मिचोली अपने सीने अपनी गोली भूल गए हम दर से अखुवत आका हमसे भूल हुई बन के सीमो जर के बंदे तन के उजले मन के गंदे लुट गई हमसे फखर की दौलत का हमसे भूल हुई अब सारी दुनिया के ठुकराए हुए हैं तेरी गली में आए हुए हैं खोल दे अपना बाबे आका हमसे भूल हुई दोस्तों हमें चाहिए कि हम दोबारा अपना ताल्लुक आका सलाम की बारगा से जोड़ लें। हमें चाहिए कि हम बारगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब समझें और उन आदाब को बजा लाएं हम मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से मनाएं कि आकले सलाम हमसे राजी हो जाए हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद सलाम भेजें अपने दिलों में हुजूर की सच्ची और पक्की मोहब्बत को संभाल के रखें ये कैसे मुमकिन है हमारे पीरो मुर्शिद ने इसका आसान तर रास्ता बताया हमारे पीरो मुर्शिद जान फरमाते हैं कि अपने बच्चों को नाते पाक के रसूल वसल्लम सिखाओ और ऐसा नाते पाक का शौक पैदा करो कि हम सारी जिंदगी हुजूर की नात के नगमे गाया करें वो शायर ने क्या खूब मकताइ इर्शाद किया है गुजरे न्याजी जिंदगी सोने दे इश्क विच गुजरे न्याजी जिंदगी सोने दे इश्क विच नाता में पढ़ता रवा मिठल मलकार वास ते। Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूं कि उसने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और हमें उनका उम्मती बनाया और ये दुआ करता हूं कि हमें आकाल सलाम के अदब और मोहब्बत का हक अदा करने की तोफ़ीकता फर्माए हमें जिंदगी भर हुजूर के दामन से जोड़े रखे और इसके सद के तुफेल में हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे आमीन या रबालमीन वमा बलाग अलनाबलामेकम